में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भाई रीब्रांडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है। पोको आजकल काफी रीब्रांड कर रहा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है। तो लगभग 66,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, उसमें से 67% लोग बोलते हैं आई डोंट लाइक रीब्रांडिंग। जी हाँ, ये आपकी राय है। और उसके बाद 25% लोगों ने ये कहा आई डोंट केयर एंड आई रियली लव दिस काइंड ऑफ पीपल। आपका एक अलग ही थग लेवल चलता है। और फिर कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ठीक है, होता भी है तो परवाह नहीं है। एनीवेज, आज का जो पोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एक सजेशन चाहता हूं, हमारी जो टेक न्यूज है दोस्तों वो 10 11 12 मिनट तक पहुंच जाती है और डिटेल में मैं आपको सब चीजों के बारे में बताता हूं। तो आपको ऐसी टेक न्यूज अच्छी लगती है या इसमें मैं चेंजेस करूं, मतलब छोटे में क्विक में आपको टेक न्यूज दे दूं, जैसा भी चाहिए यहां पर पोल रखता हूं, वोट डाल के बताइए, क्योंकि जो भी आपकी राय है उस पर फिर मैं काम करना शुरू करूंगा। बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आया दोस्तों। 30,000 लाइक्स हमने कल अचीव कर दिया था, आज भी वही चाहता हूं और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करेंगे आरोग्य सेतु ऐप से। फाइनली दोस्तों इसको उन्होंने जियो फोन के अंदर अब अवेलेबल कर दिया है। जी हां, 50 लाख से ज्यादा जो जियो फोन से उनमें अब ऐसा बताया जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो जियो फोन अगर आपके पास है तो आप जाके इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मार्टफोन्स में तो है ही और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इंडिया में इसका इस्तेमाल कर लिया है, अभी बहुत और भी कर रहे हैं। तो आप देखते हैं इसके अलावा कौन से फीचर फोन में ये ऐप जाता है, क्योंकि ये ऐप जो लोग अब ट्रैवल भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है। 17 मई के बाद देखते हैं क्या हाल होता है, लॉकडाउन 4 आता है नहीं आता है, क्या कंडीशंस होती है, क्योंकि हाल बहुत बेहाल इंडिया में। वायरस के अलावा भी जो लोगों की कंडीशन हो गई इंडिया में, जब मैं वीडियोस देख रहा हूं मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। बस देखते हैं, इंशाल्लाह अगर ये थम जाता है तो मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी। तो यहां पर दोस्तों एनवीडिया की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। एनवीडिया आपको तो पता ही है जीपीयू के मामले में तो जायंट है, इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता है। और अब उनके जो सीईओ है उन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीपीयू जो वो बताया है। जी हां, जीपीयू आप देखेंगे इतना बड़ा कार्ड है, उसमें इतने सारे यूनिट्स लगे, साला इतना बड़ा जीपीयू, मतलब देख के मैं काफी चौंक गया। लेकिन ये कमर्शियली नहीं होगा, ये इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल्स या न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ उन्होंने वहां पर ऐसे टीज किया। लेकिन ये बड़े जीपीयू को देख के आपको क्या लगता है, इतना बड़ा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों iPhone SE 2020 फाइनली इंडिया में इसकी सेल डेट यहां पर निकल कर आ चुकी है। वैसे पहले बताया जा रहा था कि Flipkart पर अवेलेबल होगा, लेकिन अब इसकी सेल डेट आ गई है, 20 मई से आप उसको Flipkart पर जाके ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर और भी सस्ते में चाहिए तो HDFC के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर एक अच्छा ऑफर है। फॉर एग्जांपल इसका जो बेस वेरिएंट है 64GB वाला, वो 42,500 का मिलता है। HDFC का क्रेडिट या डेबिट कार्ड लगाएंगे तो आपको 3,600 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और ये 38,900 पर आ जाता है बेस वेरिएंट। अगर एप्पल के जो फैंस है उनको ये फोन लेना है, वेट कर रहे थे, तो Flipkart पर 20 तारीख को जाइए, 12 बजे से आपको ये फोन इस प्राइस पर मिल सकता है, तभी जब आपके पास HDFC का डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो। अब सेल की बात आ गई तो OnePlus को भी यहां पर खींच लेते हैं। OnePlus 8 सीरीज इंडिया में 29 मई से अवेलेबल हो जाएगी परचेस को। जी हां, Amazon, Chroma, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से ठीक लगे 29 मई से आप जाके परचेस कर सकते हैं। साथ में SBI का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको OnePlus 8 2,000 रुपए और कम में मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और OnePlus 8 Pro 3,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ में मिलेगा, जो अच्छी इफेक्टिव प्राइस पर आ जाएगा। और अगर वो पॉपअप बॉक्स चाहिए, जो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, लिमिटेड एडिशन वाला बॉक्स है, तो वो 28 मई को मिलेगा। आई थिंक वो सिर्फ रेड केबल क्लब मेंबर जो है उनको मिलेगा, तो अगर आप इनमें शामिल है तो आप एक दिन पहले जाके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन साथ में ना OnePlus ने एक बाजी मार लिया। OnePlus ने क्या कर लिया, 18 मई को एक स्पेशल सेल रख रहा है Amazon पर OnePlus 8 सीरीज का, तो आप वहां पर भी जाके ट्राई कर सकते हैं इनको परचेस करने के लिए। अब बोलो क्यों क्यों सेल रख रहा है, क्यों, क्योंकि उस दिन Mi 10 भी सेल पर जा रहा है। इनको मैं जिले हिलाई वाला सलाम मांग, जिल्ले लाही सलाम हो, सलाम सलाम कैसे भी काटना है, बस काटना है तो Mi 10 को काटने के लिए आई थिंक उसकी उसी दिन उन्होंने OnePlus का 8 का भी सेल बोला, हम एक दिन रख लेते हैं, बाद में 29 तारीख को देख लेंगे। तो इस बात पे फिर से एक बार जिल्ले हिलाई का सलाम। MediaTek की तरफ से खबर आ रही है और MediaTek ने 7 मई को, आपको पता है ना, Dimensity 1000 Plus वाले प्रोसेसर को अनाउंस किया था। बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है और ये IQ Z1 जो आएगा उसमें हमें ये प्रोसेसर मिलेगा। बाय द वे IQ Z1 के कुछ अच्छे खासे फोटोज वगैरह भी निकल कर आए, जहां पर पीछे देखेंगे आपको ट्रिपल कैमरास दिखाई दे रहे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिख रहा है, मतलब IPS डिस्प्ले होगी, 144 हर्ट्ज वाली, 44 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा और बहुत सारी चीजें यहां पर निकल कर आई है। लेकिन
साथ में MediaTek दोस्तों 15 मई को एक और अपने 5G प्रोसेसर को अनाउंस करने वाला है। उसका एक नया पोस्टर उन्होंने यहां पर टीज कर दिया है और यह बताया जा रहा है कि जो अभी MediaTek 800 वाले प्रोसेसर है ये उसका सक्सेसर बन के आएगा, MediaTek 800 प्लस या फिर MediaTek 820 के नाम से आ सकता है। अब ये दोस्तों जो होगा प्रोसेसर वो बताया जा रहा है कि Redmi Note 10 सीरीज में हमें देखने को मिल सकता है, Note 10 जो प्रो आएगा उसमें आपको ये प्रोसेसर देखने को मिल सकता है या फिर ऑल टुगेदर Redmi की एक नई सीरीज आएगी उनमें हमें ये प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इंडिया में एकदम तरस रहे कि MediaTek 800 या 1000 वाला प्रोसेसर हमारे हाथ में आ जाए और चाइना में उसके सक्सेसर पे सक्सेसर जा रहे। तो आज MediaTek को मैं बोलता हूं झंडा रसकला मंडे। तो यहां पर दोस्तों GTA 5 इस गेम को हम नहीं भूल सकते, 2013 में ये आया था और तब से लेके अब तक ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सेलिंग गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। वैसे अब ये जो गेम है आपको तो पता ही है, पेड गेम है, फ्री में तो मिलता नहीं है। एपिक गेम स्टोर्स के ऊपर दोस्तों पिछले टाइम से वो लोग लॉकडाउन के तहत काफी सारे गेम्स की गिव अवे कर रहे थे। उस स्टोर में दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि GTA 5 आज से फ्री में अवेलेबल हो जाएगा और ये सिर्फ 21 मई तक चलेगा। ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स आए थे, लीक्स आई थी जो इंटरनली एक रिलायबल सोर्स से ऐसा पता चला था। जब मेरे को पता चला मैं फटाक से भागा, देखा भाई ये फ्री में मिले तो मुझे तो फिलहाल के लिए नहीं दिखा। आप आज या कल परसों तरसों ट्राई कर सकते हैं, आपको अगर ये गेम मिलता है तो फ्री में आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं कि ये डेमो होगा, ये फुल वर्जन होगा, सारे प्रीमियम फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको हो जाएगा। लेकिन 21 मई के पहले ही आपको ट्राई करना पड़ेगा, अगर मिलता है तो आप बहुत ज्यादा लकी है, ऑफिशियली आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं ये रूमर निकल कर आई अगर ये सही होता है और अगर मिलता है तो मैं आपको उसके बारे में जरूर से बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों व्हाट्सएप पे इंडिया के अंदर इस महीने ऑफिशियली लॉन्च होने वाला था बेचारा, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि इसको इंडिया में ना बैन कर सकते हैं। जी हां, मतलब पैदा होने से पहले ही किल कर देंगे। हालांकि बीटा तो उसका चल रहा है, फिलहाल के लिए टेस्टिंग हो रही है। लेकिन अब बात ये ना कि इंडिया का जो लोकल डेटा लोकलाइजेशन जो नॉर्म्स है उसको ऑब्वियसली आपको फॉलो करना है। कोई भी कंपनी होती है उनका ऐप होता है, सारे डेटा लोकली स्टोर होते हैं। अब पहले व्हाट्सएप फुल तशन में था, नहीं भाई हम तो ये सब फॉलो वॉलो नहीं करते, तो व्हाट्सएप को वार्निंग चलेगी, बेटा तू इंडिया में है, तू अमेरिका में नहीं, सारे डेटा यहीं पे लोकली स्टोर हो गए, करना है तो करने तो निकल, हमको जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप बोला माय बाप मैं करता हूं, मैं जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो अब व्हाट्सएप इसको फॉलो करेगा और शायद उसके बाद व्हाट्सएप को अलाउ किया जाएगा इंडिया में इस ऐप को यूज करने के लिए, मतलब जो पेमेंट सिस्टम है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब देखते क्या होता है, अगर व्हाट्सएप नहीं मानता तो शायद व्हाट्सएप पे को इंडिया में बैन कर सकते, फिर आप जाइए पेटीएम करिए या गूगल पे। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। पहले तो आपको बता दूं Realme ने ऐसा बताया कि ग्लोबली उन्होंने 35 मिलियन Realme के स्मार्टफोन्स सोल्ड किए हैं, जो काफी ज्यादा तादाद है। और उन्होंने जो पोस्टर मारा है 35 मिलियन वाला उसमें गौर से देखेंगे, अरे ये तो वही नया फोन है हाँ जो Realme गेमिंग फोन बन के आएगा और ये देख के थोड़ा कूल लग रहा है, बस अंदर क्या होगा ये हमें जानना है। ये इसका एक और पोस्टर निकल कर आया था डेयर टू प्ले करके, उन्होंने बताया जो एक्चुअली में एक गेमिंग फोन है वो ऑफिशियली वो खुद यहां पर बता रहे हैं। तो क्या खास होता है इसमें, ये तो जब आएगा 25 मई को 8 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके साथ में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया की बात करें दोस्तों तो Realme वॉच की ऑफिशियल टीजर यहां पर निकल कर आ गई है। माधव शेट ने इस पर ट्वीट किया था Realme वॉच मी ऐसा भी वो लोग बोल रहे हैं और सी यू सून उन्होंने लिखा है। तो ये बहुत ही जल्दी इसी महीने आएगा और साथ में ये टीजर में अगर आप देखते तो वॉच की झलक भी आ गई है। रेक्टेंगल आपको डिस्प्ले मिलता है, ये एप्पल वॉच, मी वॉच, ओप्पो वॉच में बहुत मिलता जुलता है और साइड में बड़ा सा आपको पावर बटन भी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इसमें दोस्तों ये वेयर ओएस के साथ में आएगा नहीं आएगा इसके बारे में कुछ नहीं पता और क्या पता फिटनेस बैंड जैसे फीचर्स होंगे और एक स्मार्ट वॉच के रूप में ना आ जाए, तो मुझे मजा नहीं आएगी। अगर वेयर ओएस होता है तो मेरे ख्याल से यूज करने मजा आएगा। और हां इसी के साथ में बताया जा रहा है कि Realme टीवी भी आएगा, वो गोडाउन में भी उतर गए आप देखेंगे इतना बड़ा गोडाउन, इतने बड़े बड़े कार्टून है, 108 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, मतलब आपको आई थिंक ये 43 इंच में जो वो मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो रही है, Realme टीवी, Realme वॉच इंडिया में इसी महीने बहुत ही जल्दी आएगी, हमारे पास भी आएगी, आते ही आपको सारी जानकारी उसकी दे दूंगा। क्या पता कि दोस्तों गूगल सर्च में आप बहुत सारी चीजें जाके सर्च करते हैं और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर करने मिलती है, लेकिन क्या आपको बताया कि मोर देन 97% लोग ऐसे हैं जो गूगल सर्च के अंदर स्पेल चेक करते हैं। अगर किसी चीज को आपने गलत स्पेल कर दिया, आपको नहीं पता उसकी स्पेलिंग क्या है और वहां पर उनको उसकी असली स्पेलिंग का पता चलता है। जी हाँ, 97% लोग, मैं भी हूं उनमें से। आज की न्यूज़ में खत्म, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है आप जरूर से वीडियो को लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से जाकर देखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।